इंगश्चा पंचमी के वचन चे घय प्रत्यय स्याद घय प्रत्यय होगा। अचो अपवाद ये रक्ष प्राप्त अच को अपवाद करेगा। उपेत्यस्माद् अधीयते इति उपाध्यायः। उपेति पास में जाकर के जिससे पढ़ाई करता है उस व्यक्ति को उपाध्याय कहा जाएगा। उपेत्य मने समीपम प्राप्य गत्वा यस्माद् अधीयते सपुरुषः उपाध्यायः। ऊपर अधि ले लिया, इंग धातु है ना, इसलिए अधि रहेगा ही। इंग धातु और इक्स वर्णे धातु दोनों ही नित्य अधिपूर्वक ही होता है। उप अधि इंग, इंग का ये बचा उप अधि ई पर में है अच को बाद के घय, घय का कार इत्वाता वृद्धि। उप अधि ई को जाएगा आई, आय आदेश हाँ। उप अधि आय अ मिला देंगे आय हो जाएगा। अकसण दीर्घ ऊपर अधि में उपाधि और आय अधिक ही को यण कर दो उपाध्याय स्वाधिपत्ति उपाध्याय। अपादाने स्त्रिया उपसंख्यान तदंता चवागीश। अपादाने स्त्रिया उपसंख्यान तदंता चवागीश। अपादान अर्थ में होगा स्त्रीत्वक्षा होने पर तदन से गीष्मी विकल्प से किया जाएगा। उपाध्याय यहाँ पर अपादन अर्थ में किया, आपने पूर्व में भी उपेत्य अस्मात करके अपादन अर्थ में किया है। स्त्रीत्वक्षा होने पर इतना ही आपने कहना है कि वो गीष विकल्प हो जाएगा। तो गीष पक्षे इकारांत होगा, गीष अभाव टाप होगा, उपाध्याय उपाध्यायी दो बन जाएंगे। अपादन स्त्रियामिति विहित घयंता इत्यर्थ। तदंतात का मतलब क्या है, अपादार्थ में स्त्रीत्वेक्षित होने पर तार्स घयंत से परे गीष विकल्प से होता है। या तो स्वयमेव अध्यापिका तत्र वा गीष, ऐसे इसी वार्ती के अर्थ को लेकर वा लिखा था, जो स्वयं अध्यापिका होती है वह विकल्प से गीष होकर के उपाध्याया उपाध्यायी, और यदि आचार्य की पत्नी हो तो आचार्यायणी ये बनता है। वहाँ पर पढ़ाती नहीं है, केवल पढ़ाने वाले की पत्नी है, वो अर्थ में ये नहीं बनेगा। ये स्वयं जब पढ़ा रही हो तब बनेगा। उपाध्याय उपाध्यायी थी। श्री वायु वर्ण निवृतेशो, श्री वायु वर्ण निवृतेशो, श्री हिंसायन धातु है, ये भी वार्तिक है। अविभक्तिक निर्देश व श्री से पंचमी का लोप है समझो। वायु अर्थ में, वर्ण अर्थ में और निवृत्त अर्थ में कर्त्री में श्री धातु से घय प्रत्यय होता है। ये क्या है, रीत और रीदन था ना, अप्रत्यय को अपवाद करके घय करने के लिए है। शारो वायु हो, कर्ण में घय करेंगे, शारो वायु हो। शारो वर्ण चित्रीकरणम या धातुअर्थ, श्री धातुअर्थ यहाँ पर हिंसा न रख करके चित्रीकरणम यह अर्थ लिया जाएगा। रंग क्या करते हैं चित्रों में, वैचित्रता पैदा करते हैं, चित्रीकरणम। निव्रियते आव्रियते वा अनेन इति निवृतम, निव्रियते अथवा आव्रियते अनेन, यह अर्थ हो गया निवृतम का। दो वार्तिकस्थ निवृत्त को कर रही है, बाउल का करण अर्थ में अक्ता प्रत्यय हुआ है, शार के करते निवृतम माने आवरणम इत्यर्थ। निवृतम यही व्याख्या है आवरणम, किसका अर्थ है शार का अर्थ। शार तीन अर्थ में था ना, वायु अर्थ होगा तो कर्ण व्युत्पत्ति करना है, वर्ण अर्थ होगा तो धातु अर्थ बदल दिया, और जो है आवरण अर्थ हो या निवृत्त का आवरण अर्थ होगा तो वहां पर भी करण अर्थ में ही कर देना बाउल का। अभिव्यक्ता प्रत्यय घ ही नहीं है, बालका निवृत्त में क्या हुआ है ता है, लेकिन शारा में इसी अर्थ में घ ही कर दिया गया। गौरी वाकृत निशार प्रायण शिशरे कृश, गौरी वाकृत निशार, नी उपसर्ग पूरक देखो, शार का प्रयोग किया, नी की को दीर्घ हो गया,
उपसर्ग से घैया मनुष्य बौड़म सूत्र से दीर्घ हो जाता है। नीशारह प्रयोग प्रायण शिशिरे कृशः, प्राय जो है शिशिर में दुबले पतले हो जाते हैं। अकृत प्रावरण इत्यर्थ गौरी वाकृत निशार करते अकृत प्रावरण, आवरण नहीं है। आवरण जब ना हो तो गौ दुबली हो जाती है, जैसे ठंडी के दिनों में उसी प्रकार आवरण के अभाव में व्यक्ति भी दुबला पतला हो गया। गौरी व अकृत निशार मैंने अकृत प्रावरण ये अर्थ हो जाता है निशारा का। प्रदक्षिण प्रसव्य गामिनाम शाराणाम इति वार्धिककार प्रयोगाद अक्षेषु अपि शार इति भवति, अक्ष अर्थ में भी शार प्रयोग होता है। शार शब्द जो है जो होता है ना जो चलाते हैं अक्ष, जो शतरंज खेलते हैं इधर रखते हैं पीले रंग उधर नीला रंग सफ़ेद रंग काला रंग वगैरह होता है, अलग अलग गोटियाँ जैसी रहती है लकड़ी की बनी होती है, उसको पासा फेंकता है और फिर उसके अनुसार वो चलाता है। कैसे चलाता है, सीधा भी चलाता है पीछे भी चलाता है। जो अकेले होते हैं ना वो सीधे ही चलते हैं, जो जोड़े जोड़े होता है वो पीछे भी आ सकता है आगे भी जा सकता है, बचाव के लिए जैसी चाहे वैसे वो दौड़ाया जा सकता है। और जो चौकोर बना रहते हैं उसमें जो कांटा जैसे लगा देते हैं वहाँ पर रहने पर उसको आप काट नहीं सकते, दोष नहीं। ये सब नियमों का अनुसार पर जो होता है उसको इन्होंने वार्तिककार ने कहा प्रदक्षिण और प्रसव्य गामी है, मैंने सीधे भी जाएंगे प्रदक्षिणाकार में और प्रसव्याकार में भी घूम सकते हैं। ऐसे जो वो गोटियाँ होती हैं उनको शार कहा जाता है, अतः तो अक्ष को भी शार कह दिया। जिसे शार चलते हैं पासे वो अक्ष कहा जाता है। अक्षेर दीव्यति अक्षेर जिनाती से प्रयोग हुआ है पहले, उसके द्वारा खेल जुआ खेलता है उसके द्वारा जीतता है, उन अक्षों को भी शार कहा दिया जाता है। ऐसे वार्तिककार का प्रयोग से मालूम होता है। इति भवति उपसर्गे रुवः उपसर्गे रुवः उपसर्गे रुवः कहते देखो उपसर्गे सप्तमी का एक वचन, रुवः पंचमी का एक वचन। उपसर्ग पद में रहते हुए रू शब्द धातु से घई प्रत्यय होगा, सम उपसर्ग है रू शब्द धातु है सम रू घई घई का कार वृद्धि आवादेश सनराव बनता है। उपसर्ग किम उपसर्ग नहीं तो घई नहीं होगा, रू है क्या यह है उकारांत रवह रवह बनेगा, रवह में क्या होगा उपसर्ग उपदे रू धातु और घई इत्यर्थ अप का अपवाद किया था रिदोर अप उकारांत चले अप्रत्यय है दीर्घ रिकारांत और उकारांतों से अप्रत्यय अप का अपवाद कर दिया था, अब अप वापस लौट गया उपसर्ग योग न होने से। अभिनिशहस्तन शब्द संज्ञायाम अभिनिशहस्तन शब्द संज्ञायाम अभिनिशह पंचमी का एक वचन, स्तन भी पंचमी का एक वचन, शब्द संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। अस्मात् स्तरः सस्य मूर्धन्य इत्यर्थः, अभि और निस ये दो उपसर्ग का योग में स्तन धातु के सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होता है। कब शब्द संज्ञायाम शब्द विषय की संज्ञा हो तो अभिनिष्ठानः वर्णः, यह एक वचन प्रयोग किया अभिनिषः, इसका मतलब है क्या है दोनों मिलके रहेगा, अकेला अभी प्रयोग करोगे तो सूत्र नहीं लगेगा, अकेला निष्प्रयोग करोगे तो भी नहीं होगा सूत्र, अभी निश दोनों प्रयोग करोगे तब होगा। इसे यहाँ दृष्टांत में दो मूर्धन्य षकार होना चाहिए, एक मूर्धन्य षकार दिख रहा है ना दो होनी चाहिए। अभी निस निस उपसर्ग है ना निस निर वियांगनी है ना निस निर जो है वो निस उपसर्ग है, अभी निस और स्तन धातु है, स्तन धातु के सकार को आपने मूर्धन्य षकार कर दिया, उसको मूर्धन्य षकार करने से ये दंत सकार को भी मूर्धन्य षकार हो गया, से दो शकार होनी चाहिए वहाँ। अभिनिष्ठानो वर्ण शब्द की संज्ञा हो तब कहा आपने, क्यों शब्द संज्ञा किम अभिनिस्थनति मृदंग देखा नहीं हुआ अभिनिस्थन निस् सकार हो गया सकार विसर्ग हो गया यहाँ पर, इसलिए अभिनिस्थनति निस् के सकार करो रू को विसर्ग अभिनिस्थनति मृदंग शब्द की संज्ञा नहीं है, शब्द हो रहा है जरूर मृदंग बज रहा है, ये कहने का प्रक्रिया है
मृदंग जबरदस्त बज रहा है। समी सप्तमी एक वचन, युद्रुद्वह पंचमी का एक वचन। सम यह उपसर्ग पद में रहते हुए युद्रुद्रु धातुओं से घय प्रत्यय प्राप्त, उदंत होने से अप्रत्यय प्राप्त था, उसे बाद करके घय कर दिया। संयुयते मन सम्मिश्री क्रियते गुणादिवृति संयाव, सम्यक प्रकार से मिश्रित किया जाता है गुणादियों के साथ, जिसे उसे कहते हैं संयाव। पिष्ट विकार अपूप विशेषा, पीसे हुए जौ आदि आटा का विकार जो बना दिया, अपूप मालपुआ आदि बना देते हैं तब उसको संयाव कहते हैं। संद्राव संदाव इसी प्रकार से सब रूप बनते हैं। ध्रुव गतौ धातु से, ध्रुव गतौ से बना दिया, और दु उपतापे दु शब्द भी है, किसी भी कर्ष मिश्र नाम ने उसे पहले किया। श्रीणी भुवो अनुपसर्गे, श्रीणी भुवो अनुपसर्गे, श्रीणी भुव पंचमी एक वचन, अनुपसर्गे सप्तमी एक वचन। श्री सेवायाम नी प्रापणे और भू सत्तायाम धातु, इन धातु से घय प्रत्यय होता है। यहाँ पर जो इकारांत है उनसे अच प्रत्यय, और जो है उकारांत है उनसे अप प्रत्यय प्राप्त था, उन दोनों का अपवाद कर दिया। अनुपसर्ग का योग में, उपसर्ग का योग में नहीं, उपसर्ग योग में अन्य प्रत्यय वही हो जाएंगे जो था, अच और अप वही होंगे। श्राय नाय भाव अनुपसर्गी प्रश्रय, देखो अच प्रत्यय हुआ, प्रणय अच प्रत्यय हुआ, प्रभाव हमें अप्रत्यय हो गया। फिर प्रभाव कैसे बनता है, कथम प्रभावो राज्य इति प्रकृष्टो भाव इति प्राज समास कर दो, प्रकृष्टो भाव ऐसे कर देंगे। उपसर्ग के योग में हम प्रत्यय नहीं लाया, पहले भाव अलग बन गया, पद प्र अलग पहले से है, दो अलग अलग पद थे, बाद में केवल समास किया मैंने, तो प्रभाव बन जाएगा। यदि प्रोपसर पर भू धातु रख करके प्रत्यय लाओगे तो नहीं बनेगा, प्रभाव ही होगा, प्रभाव नहीं हो सकता। से भाव अलग पद बना दीजिए, ये जो वर्तमान सूत्र से घई करके प्रोपसर्ग अलग है विद्यमान उपसर्ग में, तो समास कर दो, प्राज समास करके बना लो, तब उपसर्ग के योग में भाव नहीं बनाना। क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है, अब इस प्र का उपसर्ग नहीं कहेंगे, फिर प्र क्या है, उपसर्ग नहीं है, प्रादि है, उसकी उपसर्ग संज्ञा नहीं, क्यों क्रिया का योग नहीं है, भाव क्रियावाचक नहीं है, अतएव जो वहाँ पर क्रिया योग ना होने से प्र का उपसर्ग संज्ञा नहीं होगा। इसे कुगति प्राद्य गति के अलावा प्राद्य अलग कहना पड़ता है, ये अलग क्यों करे, जब प्रादि होने को तो गति संज्ञा होती है, जब उन प्रादियों का गति संज्ञा भी ना हो उपसर्ग संज्ञा भी ना हो तब भी उन प्राद्यों के साथ समास करना आप चाहते हैं, तब सूत्र को गति प्राद्य का प्राद्य अलग गिना दिया। और उन प्राद्यों को कब करना है, क्या कहा, अनेक उपसर्ग गिना दिया, क्रिया योग तो उपसर्ग संज्ञा हो जाए, गति संज्ञा हो जाएगा, फिर सूत्र प्राद्य करना व्यर्थ है, गति का निषेध ग्रहण हो गया। जब क्रिया का योग न रहे तब भी प्राद्यों के साथ समास करनी हो, उसके लिए वो सूत्र बनाया है, हाँ गति से अलग गिना दिया। इसलिए हम ऐसे दृष्टांत देना पड़ेगा ना, जहाँ क्रिया का योग नहीं फिर भी समास करना हो, जैसे प्रभाव ये दृष्टांत है। वैसे आप प्रगता आचार्य इति प्राचार्य बना दिया, आचार्य शब्द के साथ प्र का कोई संबंध नहीं, साक्षात गत के साथ है, गत का योग में प्र को उपसर्ग संज्ञा है, आचार्य के योग में नहीं है, फिर भी आचार्य शब्द के साथ समास होगा प्र का, ये उस सूत्र की विशेषता है। इसी प्रकार से कथम राज्यो नयः इति, तब बाहुल का समझो, उपसर्ग है नहीं अनुपसर्ग है, तो नी प्रापणे धातु से घय होना चाहिए, घय क्यों नहीं किया, कहते बाहुल का तो नहीं हुआ। वौ क्षुश्रुवः, वौ क्षुश्रुवः, वी उपसर्ग योग में उपद में रहते हुए क्षु और श्रु इन दोनों धातुओं से घय प्रत्यय होता है। विक्षावः विश्रावः उदंत रहते प्राप्त अप प्रत्यय को बाद के घय कर दिया। वौ किम क्षवः श्रवः बनेगा, वी का योग होने पर योगा, वी का योग नहीं है तो
अर्थ ही नहीं हुआ, अप्रत्यय करके श्रव क्षव ये रूप बन जाते हैं। अवोदोर्ण्य अवोदोर्ण्य अवोदोह, इनके निमित्त इनके योग में अवोदोह सप्तमी का द्विवचन, निय पंचमी का एक वचन, अव उपसर्ग और उत उपसर्ग के योग में नि प्राप्ण धातु से गय प्रत्यय होता है। अवनाय बना, अव का योग में अवनाय अर्थात अधोनयन इत्यर्थ। उन्नाय उत उपसर्ग पूर्वक नि प्राप्ण धातु से गय हुआ, उन्नाय बना मैंने ऊर्ध्वनयनम इत्यर्थ। फिर कथम उन्नय उत्प्रेक्षा इति बावलकात्, ये भी बावलकात यहाँ पर गय नहीं हुआ, प्राप्त जो है नी के कारण से यहाँ प्राप्त है, अच अच प्रत्यय हो गया। प्रे दृष्टु श्रुव प्रे दृष्टु श्रुव प्रे सप्तमी का एक वचन, दृष्टु श्रुव पंचमी का एक वचन, प्रद्राव प्रस्ताव प्रस्राव ध्रुव से ध्रुगतौ से द्राव बना, स्तु स्तुति अर्थ प्रस्ताव श्रुगतौ है भी प्रस्राव प्रेति किम द्रव स्तव स्रव यथात प्राप्त, तीनों ही उकारांत है, उकारांतों से तीनों में अप्रत्यय है वो हो गया। निरभ्यो पूर्वो निरभ्यो पूर्वो निरभ्यो सप्तमी के द्विवचन, पूर्वो पंचमी अर्थ में षष्ठी के द्विवचन, निर और अभी इन उपसर्गों को अलग अलग रख करके उनके योग में यह कर्मशः पू धातु और लू धातु से, पू धातु और लू धातु से घय प्रत्यय होते, दोनों उकारांत है अप्रत्यय प्राप्त था। निष्पूयते शूर्पादिभिरिति निष्पावः धान्य विशेषः एवमेव अभिलावः अभिलावः निररवि, इन दोनों के पद में रहते हुए घय प्रत्यय हो गया। धातु कौन थे? पुई पवने और लुई छेदने धातु से थे। धान्य विशेष को निष्पूयते मैंने सुपारी के द्वारा नाप के अलग कर देता है, उसका नाम नाप के अलग के जो राशि है धान्य का उसका नाम निष्पावा, या बढ़िया से काट कूट के अलग ढेर लगा दिया उस धान्य का जो फल सहित रहता है, पहले ना शुरू में काट के जब रखते हैं उसका नाम अभिलावा हो। निरभ्य हो किम निरभि पूर्वक की क्यों कहते हो? नहीं तो पवा लवा हो जाएगा, अप्रत्यय करके पवा लवा हो। उन्योर ग्रह उन्योर ग्रह उन्योर सप्त के द्विवचन, ग्रह पंचमी के एक वचन, उत्तरणी इनके पद में रहते घय प्रत्यय होता है। रीत और अप घी निगरणे धातु है, धीरे कारण अप्रत्यय, अप्रत्यय के प्राप्त होने और बाद के श्रेय घय कर दिया। उद्गार निगार प्रयोग होता है, उद्गार निगार उन्योगिम उन्नी के पद में रहते क्यों कहा? केवल गिरी धातु तो ग्रह बनेगा, जिस गर्दे जहर अप्रत्यय करके बना ग्रह। क्रीधान्ये क्रीधान्ये क्री लुप्त पंचमी एक वचनांत है, धान्य सप्तमी के एक वचन, क्रीत्यस्मात् धान्य विषयकात् उन्योर घय स्यात्। क्री इस धातु से धान्य विषयक पद बनाने के लिए शब्द बनाने के लिए उत्त और नी के योग में घय प्रत्यय होता है। उत्कार निकार उन्यो पुरुष से अनुवृत्ति कर लिया, उत्कार निकार बना, किसके? धान्यस्य उत्कार धान्यस्य निकार अर्थ क्या है? विक्षेप इत्यर्थ, धान्य विषयक विक्षेप है यह अर्थ हुआ। उन्हें बिखेरना ढंग से क्षिप्त कर देना, फेंकना बीज आदि को। धान्य के भिक्षोत्कर पुष्प निकर उत्कर प्रयोग होगा, निकर बनेगा, भिक्षा को मांगता है भिक्षोत्कर, पुष्पों को निचयन करता है, पुष्प निकर इकट्ठा करता है, अर्थ अलग हो जाता है। धान्य विषयक नहीं है यहाँ पर, एक भिक्षा विषयक है दूसरा पुष्प विषयक है, जो धान्य विषयक न होने के कारण से यह घय नहीं हुआ, प्राप्त जो है क्री है अप्रत्यय वही हुआ।
यज्ञे समीस्तुव यज्ञे समीस्तुव यज्ञे सप्तमी के एक वचन, समी सप्तमी के एक वचन, स्तुव पंचमी के एक वचन। समेत्य स्तुवंती यस्मिन देशे छंदोगा स देश संस्ताव। समय पद में रहते हुए स्तु धातु से घय प्रत्यय होता है स्तुत्यर्थक धातु से। किस अर्थ में? जब यज्ञ संबंधी हो तो यज्ञ विषय को, नहीं तो नहीं होगा। और यज्ञ विषय क्या होगा? स्थान विशेष का नाम है, देश विशेष। यज्ञ मंडप में एक हिस्सा लकीर मार के कर दिया जाता है, यहाँ बैठ के उद्गात्रगण सामगान करेंगे। जिस स्थान में बैठ करके सामगान करते हैं उस देश विषय का नाम संस्तव मंडप, उसके बाद संस्ताव। यस्मिन देशे छंदोगा समित्य स्तुवंती, जिस देश में छंदोग जो है सामवेदी गायक लोग इकट्ठा होकर के देवताओं की स्तुति किया करते हैं, स देश उस देश का नाम संस्ताव। और यज्ञ किम? यज्ञ विषय देश ना हो तो संस्तव मैने परिचय। संस्तव कर दे परिचय। प्रेस्त्रो अयज्ञे प्रेस्त्रो अयज्ञे पूर्व सूत्र में यज्ञ था, इसलिए यहाँ पर अयज्ञ पच्छेद करना, नहीं तो दोबारा यज्ञ बोलना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नहीं तो अनुवृत्ति हो जाती ना, यज्ञ ही करना था, इसलिए यज्ञ पच्छेद कर देंगे। इसे आगे लिखते हैं अयज्ञ इति छेद। यज्ञ तो प्रकृतत्व, क्योंकि यज्ञ पूर्व में प्रकृत ही, उसी अनुवृत्ति हो जाती यदि उसी अर्थ में करना होता, यदि अष्ट होता तो। अतएव अयज्ञ पच्छेद कर दिया। प्र और स्त्री धातु, प्र और स्त्री आच्छादने धातु होता है, उस दा से क्या किया आपने? घई कर दिया। प्रस्तार बना। इष्टिका सन्निवेश विशेषित याज्ञिका, याज्ञिक लोगों का कहना है इष्टिका का सन्निवेश विशेष का नाम जो है प्रस्तार। अयज्ञ किम? बर्ष प्रस्तर मैने मुष्टि विशेष। अयज्ञ क्यों का? और यज्ञ में प्रयोग कर रहे हो तो प्रस्तर बनेगा। प्रस्तर का मतलब क्या? दर्भ का मुष्टि विशेष, बर्री का मुष्टि विशेष का नाम प्रस्तर। जैसे झाड़ू बनाते वेदं कृत्वा वेदिं करोति, आयतनार्थ संग्रह में वेद क्या है? झाड़ू। पहले झाड़ू बना लेता है फिर वेदी को बनाता है, वेद को बना करके, वेद मैंने झाड़ू, उसको बना के वेदी को बनाएगा। और वेद को कैसे बनाएगा? प्रस्तार से। एक मुट्ठी विशेष बर्री को लेगा, उससे वो झाड़ू बनाएगा। लंबा लंबा लेगा बर्री, मोड़ेगा लगभग दो एक तिहाई तक, फिर उसको गोल घुमा के बीच में से झुंड निकालेगा और फिर उसको खींच देगा, ऊपर पकड़ जैसे हो जाता है गांठ सल के, और झाड़ू बन गया। यज्ञ वेदी के अंदर झाड़ू मारने के लिए वो इसको इस्तेमाल करना है। उस मुष्टि विशेष का नाम प्रस्तर। घय नहीं होगा, अप्रत्यय हो गया, प्रस्तर बना, क्योंकि यज्ञांतर्वर्ती मामला है। और यज्ञ बहिर् मामला के लिए प्रस्तार प्रयोग कर दिया। वह भी क्या है वास्तव में? इष्टिका का सन्निवेश विशेष का नाम प्रस्तार, यानी यज्ञ बहिर्भूत है। इष्टिका सन्निवेश जो बनाया जा रहा है, इंटों को जो बनाते हैं ना यज्ञ ये बना रहे हो, भले ही इष्टिका का चयन किया जा रहा है, उसका जो आकार विशेष आदियों को प्रस्तार कहा जाता है, वहाँ घई होगा अयज्ञ के मामला होने से। प्रथने वाव शब्द प्रथने वाव शब्द प्रथने सप्तमी के एक वचन, वौ सप्तमी के एक वचन, अशब्दे सप्तमी के एक वचन। वी इसके उपपद में रहते हुए, वी उपसर्ग उपद में रहते हुए स्त्री धातु से घय प्रत्यय होता है। जब अशब्द विषय का प्रथन हो तो, अशब्द विषय का विस्तार हो तो, प्रथन मन विस्तार, वी पूर्वा स्त्रणात्यर घय सियाद अशब्द विषय प्रथन है, पटस्य विस्तार कपड़े को फैलाता है। यहाँ पर घय हो गया, वी स्त्री घय वृद्धि होकर विस्तार प्रथने किम? तृण विस्तर, तृण विस्तर। यहाँ पर क्या है? फैला नहीं रहा, प्रथन नहीं है, यह प्रथन नहीं है, किंतु है क्या? अशब्द तो है, शब्द विषयक नहीं है, अशब्द विषयक है। क्यों? तृण विषयक है,
अशब्द विषयक तो है किंतु विस्तार नहीं है। कहना इतना ही कहता है यह तृण पड़ा है, तृण विस्तरो अस्ति। अशब्द किम ग्रंथ विस्तर, यह विस्तार नहीं बनेगा, ग्रंथ विस्तर बनेगा। जैमिनी न्यायमाला विस्तर नाम इसलिए ग्रंथ का नाम रखा। ये विद्यारण्य मुनि जब जैमिनी न्यायमाला बनाए, गुरु खुश हो गए, कहे कि भाई लेकिन सब समझ नहीं पाए, तुम श्लोक श्लोक लिख दिया है, इसको थोड़ा व्याख्या कर दो। वो व्याख्या कर उन्होंने रखा विस्तर, कि शब्दात्मक है ना, वो अघय नहीं हो सकता, अशब्द का सूत्र ने शब्द का विस्तार है तो वह विस्तर ही बनेगा, शब्द के विस्तार फैला व्याख्या किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने प्रयोग ग्रंथ विस्तर। यहाँ तक टीका देखिए, इंगश्चा घय थी शेष पूर्णाम इंग अध्ययन नित्यम अधिपूर्व, इंग अध्ययन नित्यम अधिपूर्व हो अस्माद अकर्तृकार के घय तीर्थ अकर्तृ चेती विद्य रहा अचोपवादी थी एरक चित्ते सपवादी तीर्थ उपेत्येति समीपम प्राप्य यस्माद अधीयते स उपाध्याय थी अपादान घय भाव आख्यातोपयोगे यदि अपादान तो शुद्ध से पंची में आया अपादनता है। अपादन यदि अपादन कार्य के वाच्य वार्तिक व्याख्या स्त्रित्व गम्य इंगो घय उपसंख्यानम और तदंताच्य तार्श घयंत से क्या करना हमने वा गीषिति वार्तिकम अपादान स्त्रिया यदि विहित घयंतात्थ अत्र पठितम एव वार्तिकम स्त्री प्रत्याधिकार में, यहाँ पठित वार्तिक कोई स्त्री प्रत्याधिकार में अर्थतः संग्रह किए थे। क्या कहे थे वहाँ पर, या तो स्वयं एव अध्यापिका तत्र वागीश इत्युपन्यस्तम मूले ननु अकर्तृच इत्येव सिद्धे किमर्थं घयो विधानम इति न घय अनुक्रमणम अजपोर विषये इति एरच रीदोरप अजपोर एव विषये अकर्तृच इति घय विदिरित भाष्य वचनात् स्त्रित्वे गम्ये स्त्रियां तिन तिन विषये घय अप्राप्ते अपादन स्त्रियां इति घय वचनात् अप्राप्त में ही विधि अपूर्व विधि माननी चाहिए। उपाध्याय यदि उपेत्य अस्याः सकाशाद अधीयते इत्यर्थ श्रीवायविति वार्तिकां अविभक्ति का निर्देश लुप्त पंचमी का इत्यर्थ वायो वर्णे निवृत्ते च कर्तरी श्रीधातोर घय इत्यर्थ यह अबो अपवाद शारो वायुवृदि शीरियंते पर्णफलादीनि ये रीति विग्रह तदा करणे घयति चित्रीकरण विधि शीरियंते चित्रीक्रियंते पटादे अनेन इति भाव पटादियों को रंजित कर रंग कर दिया जाता है जिसके द्वारा। गौरीवेति भाष्यस्तम श्लोकार्ध भाष्यस्त श्लोकार्ध है निशारे तेत्र उपसर्गस्य घय अमनुष्य बौलमिति दीर्घ हुआ उपसर्ग को अक्षेशार शब्दम साधयति अक्षर्थ में भी सार शब्द होते हैं, केवल तीन अर्थ नहीं अक्षर्थ में भी होता है, इस बात को वार्तिक के बल पर सिद्ध कर देते हैं वार्तिककार प्रयोगादिति। पंचमस्य द्वितीय अनुपद सर्वान्नायानयम इति सूत्रभाष्य स्थितम इदम उपसर्गे रुवा घञ इति शेष उपसर्गे उपपदे रु धातुर् घञ इत्यर्थः अपवाद समिद्रुद्वः समित उपसर्गे उपदे यु द्रु दु एभ्यो घञ इत्यर्थः यह भी अपवाद श्रेणी उपसर्गे असति श्री नी भू एभ्यो घञ इत्यर्थः यहाँ पर पहले दो धातुओं से अच प्रत्यय और भू धातु से अप्रत्यय का अपवाद है अज अपौर अपवाद है। बौलकादिति कृत्य लुटो बौलाम यदि बौल ग्रहणाद इत्यर्थ वौ क्षुश्रुवः वीति उपसर्गे उपदे क्षुश्रु धातु और घञ इत्यर्थ ये दोनों ही धातु कारांत होने से अप अपवाद है। अवोदोर्णियः अव उत् अनयोर उपपदयः नी धातु और घञ इत्यर्थ अच अपवाद है। फिर उन्नय इत्यस्य विवरणम उत्प्रेक्षा इति उन्नय का अर्थ तो उत्प्रेक्षा ये कैसे बन गया पूछा तक अज बौलकात अच्छो करके बन गया। प्रे दुरुस्तु श्रुवाह प्रायद्युपदे दुरुस्तु श्रु एभ्यो घञ इत्यर्थ अब अपवाद निरभ्य निर अभि अनयोर पदयोर घञ इत्यर्थ उसी निधा से घञ प्रत्यय होगा
या कुछ गलत छपी है, क्या है या अब अपवाद है ना, ब को कट के ज बनाओ, अजपवाद होना चाहिए ना। अच्छा। भाई एरा चला गया ना, नी धातु क्या है, इकारांत उकारांत है, इकारांत पर आप कैसे प्राप्त होगा, एरच है ना, अच प्रत्यय प्राप्त हो, इसलिए अजपवाद बनाओ उसको, ब को ज बनाओ, अजपवाद हो। उन्योर ग्रह, उन्योर ग्रह उत नित्य उपदयोर घंत्यर्थ अब अपवादे भी क्रीधान्य क्रीति लुप्त पंचमी काम तदा क्रीत्यस्मादिति यज्ञे समिस्तुवः समित उपदय स्तुधातुर घञ् स्यात् यज्ञ विषये प्रयोगे, यज्ञ विषय प्रयोग हो तो अधिकरणे लुटो अपवाद, अधिकरण प्राप्त लुटो का अपवाद करता है। संस्थवैत्यस्य विवरणम् परिचये इति प्रेस्तुरा यज्ञ प्रकृतत्व इति यज्ञ इति तो छेद न भवति, इसलिए यज्ञ ऐसे छेद नहीं करा, पदछेद या यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति था यज्ञ, उसकी अनुवृत्ति से आ सकता था, पुनः यज्ञ कहना व्यर्थ हो जाएगा। पूर्व सूत्रा यज्ञ ग्रहण अनुवृत्ति ही वसिद्ध अर्थ प्र इति उपपदे स्त्री धातु, या दीर्घ का नीचे नहीं दिख रहा है, स्ता हो गया है, स्त्री धातु और घई इत्यर्थ प्रस्तार यदि इष्ट का सन्निवेश विशेषित यज्ञ का प्रतने वाव शब्द वौ अशब्द छेद तदा विपूर्वादिति छंदो नाम नीच इत्यादि अगला सूत्र आरंभ होगा। यहाँ तक में कोई तत्व निवेश विशेष नहीं है, उपेत्य गुरु स्वीपम एत्यर्थ सीधा आगे है ना। अपादन यदि प्रस्ताव अपवादन आयेन इंगस्य अचयो अपवादत्वाद स्त्रियांतुक्तिं स्यादिति तद्वादनायम आरंभः घय अनुक्रमणम अजपोर विषय इति वचनात् स्त्रियां घय न स्याद घय प्राप्त रहता अति विधि करने के लिए सूत्र आरंभ स्त्रियां ग्रहणम या स्वमध्यापति तस्याम इदम रूपद्वयम। पुम योगे तो पुम योग हो तो उपाध्याय की पत्नी है तो नित्य गीश हो जाएगा, आनुक आगम भी हो जाएगा, उपाध्यायानी बनेगा इत्युक्तम पूर्व में कारक प्रकरण में कह दिया गया है। कर्णेक्ता यदि वृवर्णे इत्यस्मा इत्यर्थ निशारे इति कारक प्रकरण स्त्री प्रकरण में कहा गया, स्त्री प्रत्यय प्रकरण में आचार्यणी उपाध्यायानी उपाध्याय सब वहाँ बना है। कर्णेक्ता वृवर्णे इत्यस्मा इत्यर्थ निशारे इति उपसर्ग से घई हा मनुष्य बहुमति दीर्घ नो प्रदक्षिण प्रसव्य गामीनाम शाराणाम कथम प्रयोग ये वार्तिकार कैसे प्रयोग कर दिए, वायुवर्ण इत्यर्थ परिगणना तीन अर्थ परिगणना कर दिया गया था, ये चौथे अर्थ में कैसे कर दिया आपने, अतरा हो अतएव वार्तिक प्रयोगात अक्षेशोपि शरणातिर घई स्यात् रवैति रीदोराप्य प्राप्त था राज्यो नया नी प्रापणे इत्यस्माद् अचो यत् हुआ यज्ञे समी अधिकरणे लुटो अपवादो अयं घई अधिकरणे प्राप्त लुट का अपवाद करने घई का विधान है। छंदो शब्द विषयत्वात् पूर्वेण प्राप्त वचनम अब अगला सूत्र है छंदो नाम निच छंदो नाम निच छंदो नाम नि सत्विके वचन चप्य स्त्र इत्यनुवर्तते स्त्री धातु को अन्वय करेंगे यहाँ पर भी विष्टार पंक्ति छंद विष्टार पंक्ति छंद विशेष हो गया, विष्टार शब्द बन रहे हैं यहाँ पर हम पीर पर स्त्री धातु से घय हो गया विस्तार बना, विस्तार के सकार को मूर्धन्य शकार हो जाएगा विष्टार बनेगा तो ट हो जाएगा विष्टार वो ठ हो गया है वो ट होनी चाहिए ठ नहीं ट विस्तार पंक्ति छंद विस्तीर्यंते अस्मिन् अक्षराणि इत्यधिकरणे घञ् हुआ विस्तीर्यंते अस्मिन् अक्षराणि इति अधिकरण अर्थ में घञ् प्रत्यय हुआ तथा पंक्ति शब्द के साथ कर्मधारय विस्तारश्च असौ पंक्तिश्च इति विस्तार पंक्ति छंद विशेष पहले वाले छंदो नामनि घञ् प्रत्यय करने के लिए फिर दूसरा सूत्र आ रहा है छंदो नाम निच छंदो नाम निच छंदो नाम निच छंदो नाम सत्विक वचन चे यह सत्व करने के लिए है आठवें अध्याय का है। विपूर्व से स्तृणात्यर्घयंतस्य विपूर्वक स्तृणाति घयंत के अवयभूता जो सस्य सत्व सैत् छंदो नाम नि दंशकार मूर्शकार होता है छंद के नाम के विषय में
अजय स्त्री सकार को मूर्धन्य हो गया, सगश हो गया, अत तकार को श्रुत हो गया, विस्तार बना। इति सप्तम उदिग्रह उदिग्रह उदी सप्तम के वचन ग्रह पंचम के एक वचन उत्तपद में रहते हुए उपसर्ग तो ग्रह धातु से ग्रह उपादन धातु से घय हो जाएगा, उद्ग्राह उद्ग्राह प्रयोग हो जाएगा। ग्रह वृद्ध वृद्धि निश्चिगमश्चिति अप्रत्यय जो प्राप्त था उसका अपवाद करता है, ग्रह धातु अप्रत्यय प्राप्त था। समी सप्तमी के एक वचन, मुष्टौ भी सप्तमी के एक वचन, सम उपसर्ग पद में रहते हुए ग्रहदा से घय प्रत्यय होता है। जब मुष्टि अर्थ मानो तो मल्लस्य संग्राह मैंने मल्लस्य मुष्टि, मुष्टौ किम द्रव्यस्य संग्रह, यहाँ मुष्टि अर्थ नहीं है, इकट्ठा करना अर्थ केवल है, इसे घय नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, ग्रहदा तो हलंत है, रिहलोर नियत होना चाहिए, रिहलोर नियत होना चाहिए, नेत को बदल के क्या हो गया, संग्रह कैसे बन गया। एक दूसरा सूत्र अभी आया था ना, ग्रह वृद्धि निश्ची गमश्चिति अप्रत्यय, वहां अप्रत्यय करेंगे सूत्र विशेष से, नीचे दिया है बलमन बाल ब्रह्मा नीचे से दूसरी पंक्ति, ग्रह वृद्धि निश्ची गमश्च इति अप्रत्यय, उसका अपवाद कर अपने घय किया था और निमित्त हट गया, मुष्टि अर्थ छोड़ दिया आपने, सम तो है इन मुष्टि अर्थ नहीं रह गया, अर्थ रूपी निमित्त को छोड़ दिया, उपद रूपी निमित्त है, अर्थ रूपी निमित्त को छोड़ देने से यहाँ पर उस सूत्र से अप्रत्यय हो गया, घय नहीं हुआ। जब समरूपी निमित्त भी हो और मुष्टि रूपी अर्थ भी हो तब घय होगा। परिण्योर नीनोर द्यूता भेष यो परिण्योर नीणोर द्यूता भ्रेष यो परिण्योह सप्तमी का द्विवचन, नीनोह पंचम अर्थ में षष्ठी का द्विवचन, द्यूता भ्रेष यो सप्तमी का द्विवचन। यथा संख्य मनुष्य समानाम लगाएंगे, परि इसके योग में नी धातु से द्यूत अर्थ में ही घय प्रत्यय होगा, और नी इसके योग में अरिण धातु से हम क्या करेंगे, अभ्रेश अर्थ में घय प्रत्यय करेंगे। जब परिपूर्वात नयतेर नी पूर्वाद इनश्च, नी पूर्वाद इनश्च, नीणोर है ना, नी दीर्घ कारण था ही है, अरिण धातु का भी किसा कसर दीर्घ हो गया, नीणोर हो गया, इसलिए नी पूर्वाद इनश्च इण प्रत्यय इण धातुअंत को घय प्रत्यय, घय स्याद क्रमेण किस अर्थ में होगा, यहाँ भी यथा संख्य लगेगा, द्यूते अभ्रेशे च विषय परिणायेन शारान हन्ति, परिणायेन शारान हन्ति द्यूतर्थ में, द्यूत क्रीड़ा में क्या है, परिणाय के द्वारा शारों को गिरा देता है। परिपूर्वक नीदा से घय हुआ, परिणाय प्रयोग हो गया, परिणाय तृतीय के क्वेश्चन, परिणायेन शारान मने वो जो गोटियाँ थी जो शतरंज में खेलते हैं उनको एक एक को हराने के लिए गिराते जाता है। समन्ता नयन इत्यर्थ, सम्यक प्रकार से नयन करने के माध्यम से वो शारों को हरा के गिरा देता है। एषु अत्र न्यायः, अब नी उपसर्गपूर्वक किन गतो धातु, नी इण घय, इनको क्या हो गया वृद्धि, आय आय नी आय इण हो गया, न्यायः बनता है, अर्थात उसका क्या होगा, अर्थ उचितम इत्यर्थः। द्युताभ्रेशो किम, द्युत और अभ्रेशो का परिणयो विवाह, द्युत अर्थ नहीं है यहाँ पर, इसे घय नहीं हुआ, अच्छ प्रत्योग परिणय बना और न्यय बना, यहाँ भी अच्छ प्रत्योग के न्यय बना, क्योंकि यहाँ अर्थ अभ्रेश नहीं है किंतु भ्रेष है, भ्रेष मैंने नाश, नाश अर्थ है। ठीक है, छंदनामनी च विपूर्वा स्त्री धातु और घय स्याद अक्षर यत्तात्मक छंदस संज्ञायाम इत्यर्थ, शब्द विषयत्वात् पूर्वेण प्राप्त वचनाम क्रंधारिति विस्तारश्च, विस्तार होना चाहिए दीर्घ नहीं है, विस्तारश्चासौ पंक्तिश्चिति विग्रहित भाव नो सात पदाद्योति निषेधात्, स्त्री सकार मूर्ध सकार कैसे हो गया, सात पदाद्यो पद के आदि में है ना, निषेध होना चाहिए, और
इतना ही नहीं, निषेधात और आदेश सकार अभावच्च, आदेश का सकार भी नहीं था वो, जो कथम यह सत्वम इतः छंद नाम ने अलग सूत्र से हो गया। वृक्षासनयोर्विष्टरः इति उत्तरम सूत्रम, उसके बाद वो छंद नाम नहीं है, वेद प्रसंज्ञायाम विष्टर शब्द निपात्यति इत्यर्थः। उदित ग्रह उदित पदे ग्रह धातु घञ् इत्यर्थः। ग्रह व्रि द्रि निश्चि गमश्च इति अप्रत्ययस्य वक्षमाणस्य अपवादः। समिमुष्टो समित्युपपदे ग्रह धातु घञ् स्याद् मुष्टि विषये धात्वर्थे गम्य इत्यर्थः। मल्लस्य संग्रह दृढ़ग्रहणम मुष्टेर इत्यर्थः। परिण्य द्वितीय अभ्रेश चेति द्वितीय विषय नयने अभ्रेश विच गमने च विद्यमानादित्यर्थ। अचो अपवाद शरम नक्षान हंति ये श्रोत्र न्याय अभ्रेशेण वर्तनम इत्यर्थ। उचितस्य अर्थस्य अनपचार अभ्रेश, उचित पदार्थ का अपचार न करने का नाम ही अभ्रेश होता है। तदा उसलिए अर्थ करते हुए कहा उचित मिति। तत्वोधिनी यज्ञ समय अधिकरणे लुटो अपवाद वयम छंदो शब्द विशेषता पूर्वे न प्राप्त वचन है छंदो नाम ही कि पूर्व सूत्र क्या था अशब्द विषय का था ना, इसलिए अशब्द विषय में करना है आपने। केचित् तो प्रस्तार पंक्ति इत्यादि प्रयोग अनुरोध है नत्र वौविति नानुवर्तयन्ति। प्रस्तार पंक्ति प्रयोग हुआ है प्रोफेसर पूर्व भी कहीं कह गया, यदि वी ले लोगे क्या होगा प्रम नहीं होना चाहिए, प्रस्तार बनेगा ही नहीं। इन प्रस्तार और विस्तार दोनों प्रयोग करना, विस्तार दोनों प्रयोग करना इष्ट है। इत्यादि प्रयोग अनुवाद देना यहाँ वह ग्रहण करना उचित नहीं है, न अनुवर्त अनुवृत्ति नहीं करते। उदि ग्रह भावादो घे से आत ग्रह वृद्धि इत्यादि से प्राप्त स्या अपो अपवाद है। प्रण्य कक्षादि भी क्रीडन द्योतम, ये कक्षादि हो गया गलत हो गया है, अक्षादि बनाओ। अक्षादि भी क्रीडनम द्यूतम, अक्षादियों के द्वारा खेलने का नाम द्यूत होता है। यथा प्राप्त करणम अभ्रेश, यथा प्राप्त करने का नाम अभ्रेश है। यथा प्राप्त को करना यह अभ्रेश है और विपरीत करना भ्रेश हो जाएगा।